नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशंस, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर भी, स्फेरिकल मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर भी, ये रूल्स नहीं आए ना तो डायग्राम बन लिए तुम लोगों से भी, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दसवीं क्लास में भी आते हैं, हमारे तो है नहीं वैसे प्लस टू में तो, लेकिन आपको लगता है उनको बुक वालों को आपको आते होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट भी, बिना रूल्स के भी इमेज नहीं बनेंगे भी, गारंटी है भी। ये रूल्स याद, इसको याद हो जाएंगे अच्छे से, समझ में आ जाएंगे, कुछ भी बना लो फिर आप डायग्राम से कर लोगे भी। मेन पॉइंट है भाई इस स्टूडेंट के भी, ये नहीं आए तो नहीं आएगा भी। पहला पॉइंट आ लिया क्लास, लिखिए फर्स्ट रूल क्या है भी। When incident beam is parallel to principal axis B, when incident beam is parallel to principal axis, then after reflection, it pass or appear to pass principal focus B. अगर beam principal axis के parallel आती है भी, तो beams क्या करेगी after reflection? या तो वो पास कर जाएगी या पास करते हुए दिखाई देगी, कहाँ से भाई? प्रिंसिपल फोकस से भी। मैंने आपको बोला था कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको सिंपल बस बोल दिया गया है, टोटली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी। छोटी क्लास में, सेवन क्लास में एक्सपेरिमेंट आता है इसके ऊपर, लेजर लाइट से मेरे पर डालते हैं, लाइट ऐसे जाती है भी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक बीम आएगी भी ऐसे, दिस इज इंसिडेंट बीम, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस भी। कहां से पास करेगी ये? प्रिंसिपल फोकस से भी। या तो हो गया, कॉन्वेक्स में क्या होगा भी? देखिए यहां पे P है, यहां पे F है इसका, यहां पे C है, कर लोगे भी? बीम्स यहां पे स्ट्राइक, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डाइवर्जिंग की है, ऐसे जाएगी बीम्स भी, कर लोगे? इट अपियर टू पास थ्रो, फोकस यहां पर ले जाता हूं, क्या दिक्कत? इट अपियर टू पास थ्रो प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा भाई। तो फर्स्ट रूल समझ में आ रहा है, अगर आपको बीम पैरेलल दिखाई दे रही है कहां से पास करा देगा उसी टाइम उसको फोकस से पास करवा दीजिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, कर लोगे? फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, बातें नहीं लिखिए, when incident beam is pass through or appear to pass through principal focus, then after reflection, it is parallel to principal axis. दो मिरर है भाई, डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो एक मिरर ये रहा भाई, कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी, ओके। एक बीम अभी देखो, पहले डायग्राम देखिए, देख लिया करो डायग्राम करो, बात में मत लिया करो। एक बीम है जो फोकस से पास करिए पहले से भी, सोर्स की लाइट कैसी बन सकती है भाई, जरूरी थोड़ी है हमारे अकॉर्डिंग आएगी, कर लोगे? एक बीम कैसे पास करती है? फोकस से पास करिए पहले, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये था कॉनकेव के अंदर। अगर हम केस करते हैं कॉन्वेक्स वाला, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो भाई क्लास, ऐसे आ सकती बीम, ये पास तो नहीं करेगी, बट इट इज अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। हमारा फोकस पर दूर चला गया क्या? ओके भाई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल है भाई, लेकिन व्हेन इंसिडेंट बीम इज पास थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। सारे पॉइंट यूज कर लिए मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पाथवे। वो अपने इनिशियल पाथ पे कम बैक कर जाएगी भी। कैसे? ये आपका कॉनकेव मिरर है, देखो डायग्राम देखा करो एक बार। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, पानी पियो, ठीक है, कोई बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, स्ट्राइक किया यहां पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पाथ भी। ऐसा क्यों हुआ भाई क्लास? जो लाइन सेंटर से पास करेगी हमेशा सरफेस का 90 डिग्री एंगल बनाएगी, वो रेडियस ही होता है। और आई 90 तो आर भी कितना होगा? 90, उसी टाइम वापिस जाएगा। ये सफियर नहीं है, ये रेडियस है, सेंटर से पास कर रहे हैं। ये ड्रा करवा एक लाइन, क्या बनाएगा साथ? ये 90 बनाएगा भी, टेंजेंट के साथ भी। अगर आई 90 है तो आर भी 90 होगा वापिस उसी लाइन के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर आपके पास कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स हो भी, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है भी, अगर बीम अपीयर टू हो रही है भी पास थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब भी 90 बनाना है इसको। इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पाथ भी। लिखो व्हेन इंसिडेंट बीम स्ट्राइक ऑन द पोल। When incident beam is strike on the pole, but I लिख रहा हूँ angle I is equal to angle R, एक point बनाऊंगा अभी diagram में, then angle I is equal to angle R, से तो हर जगह पे होता है ये angle I equal to R। यहाँ पे कुछ खास कर रहे हैं, देखिए ये mirror है भाई, कौन सा है? concave। ये pole है, ये center of curvature, focus है, ये center of curvature है भाई, बातें नहीं करनी। अगर बीम्स यहाँ पे स्ट्राइक करती है किसी भी एंगल के ऊपर भी, जितना ये एंगल होगा आई बाद में लेंगे, उतना ही यहाँ पे होगा भी आर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, उसी तरीके से कॉन्वेक्स में होगा भी। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बीम स्ट्राइक करती है अगर पोल के ऊपर, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी भी, आई इज इक्वल टू आर वाला केस में। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर लिखिएगा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर भी। पहले कॉनकेव कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर भी। देखो मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ, आपको अभी बनाना नहीं है कुछ भी, कर लोगे। देखिए ये कॉनकेव मिरर है भी, और ये
आपका पोल है, ये आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब आप पे डिपेंड करता है अभी आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हो। चौक इज द ऑब्जेक्ट भी, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा किसके बीच में भाई, पी और एफ के बीच में, फिर आपने ऑब्जेक्ट उठा कर रखा एफ के ऊपर में, फिर आपने ऑब्जेक्ट रखा एफ और सी के बीच में कहीं पे, फिर आपने रखा सी पे भी, फिर सी से परे रखा, पर सी से बहुत दूर रखा अभी। छह केस बनते हैं, कर लोगे। तो पहला पॉइंट भाई, पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा जाए, मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाऊंगा अभी क्लास, इट इज ए बी। अब मेरे को ये बता दो भाई, इमेज जो आप मिरर में देखते हो, आपसे रिफ्लेक्शंस हो रही है मिरर की, यार ऑफिस आपके तरफ आ रहा है अभी आंसर से। ओके, अगर बीम सिर से निकली है तो इमेज किसकी बनेगी, पैर की, सिर के ही बनेगी। ओके, यस और नो, आपकी पूरी बॉडी दिख रही है आप मिरर में, तो आपकी पूरी बॉडी से ही क्या निकल रही है, रेज निकल रही है, रिफ्लेक्ट होके आपको क्या दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है। कर लोगे भाई, ऐसे नहीं है क्या मिरर के पीछे खड़े होते देखो मैं दिख रहा हूँ क्या मिरर में, क्योंकि वहाँ तक रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा भाई। यस और नो, तो अगर बीम्स ए से निकली हैं तो ए की ही इमेज बनेगी प्लस, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं दो पॉइंट यूज कर रहा हूँ भाई, पहला और फोर्थ पॉइंट भाई। पहला पॉइंट क्या था, आपको रेज निकालनी है, कैसे भी निकालो मर्जी आपके भी। अब पहला पॉइंट था कि बीम्स निकाल लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, ये निकाल ली। रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से पास करनी चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस, करवा दो भाई कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। सेकेंड पॉइंट मैं यूज करता हूँ फोर्थ पॉइंट वाला भाई, अगर बीम स्ट्राइक करती है पोल पे भी तो उसी एंगल पे मुड़ जाएगी। यस और नो, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इमेज बनाने की कंडीशंस क्या है, बीम्स मिले हैं मिलती हुई दिखाई दे, मिले तो गई नहीं हुई, फैलती चली जा रही है। यस और नो, अगर इनको मैं पीछे मिलाने की कोशिश करता हूँ देख ये तो चली जाएगी ऐसे भाई, और ये ऐसे भी, तो यहाँ पे मिल रही है, इट इज अपीयर टू मीट वे, तो किसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, ए की बनेगी। यस और नो, इट इज ए डैश वी, और नीचे क्या बनेगा फिर इसका, बी डैश। समझ में आया कि नहीं आया, डायग्राम बनाओ कर लिखो यहाँ पे। नेचर ऑफ इमेज वी, कैसी इमेज बनेगी, पहला पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज का पहला पॉइंट देखो भाई, पहले सीधी सी पॉइंट है, रियल है कि वर्चुअल है, लिखो इट इज ए वर्चुअल इमेज। पहला पॉइंट है इट इज ए वर्चुअल इमेज। ओके, सेकंड है भाई, छोटी बनी कि बड़ी बनी, बड़ी बनी, इट इज ए मैग्नीफाइड इमेज। व्हाट यूज क्या करते हैं इसके लिए, मैग्नीफाइड यूज करते हैं, इट इज ए मैग्नीफाइड इमेज। ओके, सीधी बनी कि उल्टी बनी, सीधी, इट इज ए इरेक्ट इमेज, इट इज ए इरेक्ट इमेज। और मेन पॉइंट कहाँ बनी हुई, लिखता हूँ इनसाइड द मिरर भी, इनसाइड द मिरर, लिखो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस भी, एट एफ भी, कहाँ रखा जाए फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तो क्या होगा अभी देखिए, अभी ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी पहले देखा करो उसके बाद बनाया करो। अभी यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया अभी, इट इज ए बी, रूल वही लगाएंगे अभी, मेरा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बीम जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस रूल है भाई, ये पास करेगी फोकस पॉइंट से भी। यस और नो, सेकंड स्ट्राइक करेगी पोल पे भी और ये जाएगी ऐसे भी। हाँ, तो बोल दोगे तुम खोला क्यों नहीं किया, अरे होएगा नहीं भाई, करके देख लो ढंग से, पैरेलल बीम आएंगे भी।
ओके डायग्राम बनाओ, लिखते हैं इमेज फॉर्म डेट इन्फिनिटी भी, इमेज फॉर्म डेट इन्फिनिटी। देखो यहाँ तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी जाके मिलेंगे पता नहीं मेरे को भी, ये मान के चलते हम लोग कर लोगे। अब प्रॉब्लम है, बोल दिया मिलेंगी तो रियल मिलेंगे कि वर्चुअल मिलेंगे भी, कैसे भाई? यहाँ तो मिल सकती हैं आगे जाके, देखिए इट इज अ रियल इमेज भी, इट इज अ रियल इमेज। रियल कैसे है अभी क्लास, अगर आपने ढंग से देखी ना आपकी व्हीकल्स का हेडलाइट या टॉर्च देखी होगी, उसमें ये शेप होती है कॉनकेव शेप भी, और बल्ब जो लगा होता ना वो बल्ब इस शेप के फोकस पे लगा होता है, जिससे क्या होती है लाइट जाती है। अभी रूल क्या बनता है, व्हेन लाइट बीम पास थ्रू द फोकस इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, तो बीम क्या निकलती है, पैरेलल बीम निकलती है टॉर्च की भी। कर लोगे, अब दीवार पे टॉर्च को लाइट मारिएगा अभी, तो आपको बीच में एक ब्राइटनेस दिखाई देगी भी, बीच बीच में सिर्फ, इट इज अ इमेज ऑफ बल्लभ। किसकी इमेज है वो, बल्लभ की, कहाँ बन रही है, दीवार पे बन रही है भाई, तो रियल होगी। यस और नो, तो इट इज अ रियल इमेज। और सबसे बड़ी इसी में बनती है अभी, इट इज अ मैग्नीफाइड इमेज भी। सेकेंड पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे, पहला पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इज अ मैग्नीफाइड इमेज। सीधी की उल्टी है, अब बल्लभ गोल है भाई, गोल को उल्टा कर दो गोल ही रहेगा भी, वो रियल किया होती है हमेशा उल्टी होती है भाई, इट इज इन्वर्टेड इमेज भी, थर्ड था ना भाई। नेक्स्ट इमेज है भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी भी, और ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा जाए तो इमेज कैसे बनेगी, इन कॉनकेव मिरर। देखिए, देखो भाई पहले बनाना सीखिए उसके बाद डायग्राम बनाना आपको। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया इस पॉइंट के ऊपर, इट इज ऑब्जेक्ट ए बी। रूल्स के अकॉर्डिंग भी पहले भी हम निकालते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस भी, यस और नो। दूसरा, बीम स्ट्राइक करवाते हैं पोल के ऊपर तो सेम एंगल पे चली जाती है, यहीं पे कहीं मिल रही है, यस और नो। तो क्या बनेगा, ए डैश ए का इमेज भी, ओके। और यहाँ पे इट इज बी डैश भी, समझ में आया कि नहीं आया? नेचर ऑफ इमेज, पहला पॉइंट भाई, नेचर ऑफ इमेज का पहला पॉइंट, इमेज रियल है कि वर्चुअल है भाई? रियल है, पक्की बात है। पहला पॉइंट, इट इज अ रियल इमेज, इट इज अ रियल इमेज। छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है भाई, ऑब्जेक्ट से भी, इट इज मैग्नीफाइड इमेज। सेकेंड पॉइंट है, इट इज मैग्नीफाइड इमेज। सीधी की उल्टी है? उल्टी, इट इज इन्वर्टेड इमेज, इट इज इन्वर्टेड इमेज। कहाँ बन रही है, मेन पॉइंट भी, बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी से परे बनेगी भी। कर लोगे? यस और नो, बस यही था। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, सी पे रखें, फिफ्थ पॉइंट डालिए, फोर्थ पॉइंट भी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, और ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाए भी। देखिए कॉनकेव मिरर, देखो भाई सी ऐसा केस है, अकेला केस है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया सी पे तो इमेज भी सी पे ही बननी है, ओके। सेम साइज की बननी है, रियल बननी है, इन्वर्टेड बननी है, हो जाएगा भाई। तो जो मैं तरीका आपको बोल रहा हूँ ना,
और तरीका देखिए अभी क्या है। तरीका ये है, ये तरीका कब लगाओगे आप जब आपको पता होगा कि इमेज कहाँ बनेगी भी, क्योंकि आप तो पढ़ चुके होगे, पता होगा कि इमेज किसकी इमेज कहाँ बननी है। तो पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट रखो भाई, रख दिया। जो मेरे को इमेज का नेचर पता है कि ये सीधी बनेगी, सेम बनेगी, जो है कुछ कुछ भी हम देखेंगे नेचर्स के अंदर, तो पहले इमेज बना लीजिए। कर लोगे, ये पॉइंट सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये बी डैश होगा, ये ए डैश होगा, ये फोकस वगैरह मत बनाइए। ओके, तो लाइन ड्रा करो पैरेलल्स और इनको मिला दो, इन पॉइंटों को भी। नेक्स्ट पी के साथ इनको मिला दो, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, फोकस पॉइंट। बेस्ट तरीका है, कब होगा ये तरीका, जब आपको पता होगा कि इमेज कहाँ बनेगी, नेचर क्या होगा इमेज का भी। तो लिखो पहला पॉइंट, इट इज अ रियल इमेज। पहला पॉइंट, इट इज अ रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट, सेम इन साइज, रियल इमेज है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो पॉइंट बना के, सिंपल लिख दोगे रियल इमेज, सेम इन साइज, इन्वर्टेड, ओके, एंड फॉर्म्ड एट सी, एंड फॉर्म्ड एट ए सी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट को सी से परे रख दिया जाए भी, देखो भाई कैसे रखेंगे, ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट मैंने भी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, रूल्स के अकॉर्डिंग जो बीम्स निकालने, निकाल लो भाई, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से पास करेगी, फोकस से, सही है। उसके बाद पोल पे स्ट्राइक करवाइए, तो रूल के अकॉर्डिंग चली जाएगी ऐसे भी, यहाँ मिल रही है, इट इज ए डैश, यहाँ पे क्या बनेगा, बी डैश, दिस इज द इमेज। कर लोगे, नेचर में लिखिए, नेचर ऑफ इमेज का पहला पॉइंट रियल है, रियल इमेज, ओके, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन ए साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी भी, स्मॉल इन साइज, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज, इन्वर्टेड, फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बनेगी भी, फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड ए सी। समझ में आया कि नहीं आया अभी, कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट भी, लास्ट पॉइंट करते हैं, लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी भी, छठा पॉइंट डालिए। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है भाई, कैसी बीम आएंगी, पैरेलल किसके, पक्का है, कोई कंडीशन थोड़ी है भाई, पता नहीं सन कहाँ पे, सन तो इन्फिनिटी पे है भाई, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़ी हो गए, ना तो हम जानबूझ कर रख रहे थे ऑब्जेक्ट्स को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो निकाल रहे थे एक बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जरूरी थोड़ी है पैरेलल ही आए, आ भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, ओके, लेकिन ये पक्का है भाई, दे आर पैरेलल टू इच अदर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, सन बहुत दूर है अभी क्लास, ओके, और ये जो बीम्स देगा स्फेरिकल नेचर का वेव फ्रंट दिखाएगा अपने आप को भी, ऐसा लगेगा कुछ टाइम के बाद बहुत बड़े बड़े क्या बन गए, स्फीयर बन गए हैं अभी, तो उसका एक छोटा पार्ट दीवार मान लेते हैं, दीवार से लाइट निकल रही है, दीवार एक सोर्स ऑफ लाइट है, कैसे लाइट निकलेगी, पैरेलल सी आएंगी। कर लोगे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उससे जो लाइट आएगी वो कौन सी आएगी, पैरेलल टू इच अदर आएगी, ओके, क्योंकि उसके जो वेव फ्रंट बनेंगे ना एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, दे आर प्लेन वेव फ्रंट्स। कर लोगे, ये पक्का है, दे आर बीम्स क्या होंगी, पैरेलल टू इच अदर होंगी, बट ये जरूरी नहीं है दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, हो भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, कर लोगे, लेकिन ना भी हो भाई तो क्या करेंगे,
होंगे तो देख लेंगे क्या करेंगे, बोले देखें ना हो तो क्या होगा। वो बीम्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सॉरी नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कौन सा रूल लगाऊंगा? कोई रूल ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बीम्स पैरेलल नहीं है भाई प्रिंसिपल एक्सिस, का रूल ही नहीं बनता मेरा कोई भी। ना तो फोकस से पास करी, ना सेंटर से पास करी, ना पिवट स्ट्राइक कर रही हूँ। कर लोगे लेग रिफ्लेक्शन तो होगा, यस और नो? और कहाँ से होगा? मिरर से होगा, तो आई इक्वल टू आर भी होगा भाई। प्लेन मिरर है, सॉरी प्लेन सरफेस है, कर लोगे तो रिफ्लेक्शन तो सेव करेंगी, यस और नो? तो रिफ्लेक्शन सेव करेंगे तो मिले भी कहीं ना कहीं, मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगी? फोकस पे ही मिलेंगे। तो मैं तो कहाँ बनेगी? ए डैश बी डैश। ओके क्या हुआ? बिना बिना रूल के रिफ्लेक्शन तो होगा, आई आर इक्वल, आई इक्वल टू आर तो होगा। इट इज नॉट ए प्लेन मिरर भाई, उसमें स्ट्राइक करते हो पैरेलल आती वापिस, ये करोड़ सरफेस है भाई, इसके लिए अलग एंगल है, इसके लिए अलग एंगल है, तो आर भी इसके लिए अलग होगा दोनों के लिए, यस आर नो? देखो इसका एंगल अलग है भाई आई का, इसका अलग है, क्योंकि स्ट्राइक इसमें कर रहे हैं, इट इज नॉट ए प्लेन मिरर भाई, इट इज करोड़ सरफेस पे, दोनों के लिए आई अलग है तो दोनों के लिए आर भी अलग होंगे, तो पक्की बात है दोनों अलग एंगल्स पर जाएंगे भी, अगर एंगल पर जाएंगे तो मिलेंगे, मिलती हुई दिखाई देंगे, या तो मिल रही हैं। कर लोगे? समझ में आया? इमेज अगर बीम पैरेलल हो तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा? हो तो अगर बीम्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो तो कोई एग्जांपल कर लेते हैं, ऐसा कोई बीम्स पैरेलल आ रही हैं भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर पास ऑफ द फोकस पॉइंट, फोकस पे मिल जाएंगी, अभी फोकस पे इमेज बनेगी, यस सर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन क्या बनेगा? डॉट बनेगा सर, सही है, अपने बनाया भी होगा, पहले बनाओ, बना लिया ये डायग्राम? ये जरूरत नहीं है, तो सिंपल है भाई रूल है, तो पैरेलल होंगे तो फोकस ही पास करेंगे भी। कर लोगे? हम तो उल्टा करते हैं कि पैरेलल ना हो तो क्या होगा भाई, तो कोई रूल तो लगेगा नहीं, लेकिन आई इक्वल टू आर तो होगा भाई, यस और नो? लिखिए पहला पॉइंट डालिएगा, रियल इमेज है, नेचर में लिखिए रियल इमेज, स्मॉल इन साइज, अब ये पता कैसे चलेगा बताऊंगा आपको मैं, स्मॉल इन साइज, इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड इमेज, फॉर्म्ड एट फोकस पे, कहाँ बनेंगी? फोकस पे बनेंगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। ओके आप लोगों ने काम किया बचपन में भी, अभी कर रहे बचपन ही तुम्हारा, ठीक है, लेंस लेके आओ भाई, लेंस से कागज चलाते हम लोग, किसने चलाया एक्चुअल में भी? तो अभी बीड़ी पीते हो क्या? ये काम उनका होता है जो बीड़ी पीते हैं, माचिस से नहीं है भैया, थोड़ा बीड़ी जला लेते हैं, ठीक है, अरे बातें नहीं सुनो, सेम काम बातें नहीं, अभी सेम काम कॉनकेव मिरर से भी हो सकता है जब लेंस से करते हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हुआ लेंस से कागज से एक दूसरे नहीं जलता भाई, एक बिल्कुल छोटी सी टिकारी बनानी पड़ती है भाई, यस सर नो, तब कागज जलना शुरू होता है भाई, सेम लेंस इसमें भी होगा मिरर में, अभी टिकारी बनेगी छोटी सी एक पॉइंट पे आगे, और टिकारी कैसे बनाते हैं? सेट करके उसको एक पॉइंट पे आगे क्या बनती है? टिकारी बनती है, और सेट कैसे करते हैं? When beams are parallel to principal axis, तो पॉइंट पे फोकस पे क्या बनती है उसकी? एक छोटा सा पॉइंट बनता है, यस और नो? और बिल्कुल ब्राइट पॉइंट बनता है, चमकीला पॉइंट भी, पता हो क्या एक्चुअल में? इट इज़ द इमेज ऑफ सन, और सन की इमेज होती है, कहाँ बना रहे हो? पेपर पे बना रहे हो, रियल है, यस और नो? छोटी साइज की है, यस और नो? उल्टी है, अरे गोल है, गोल का उल्टा गोल ही होगा भाई, यस और नो? कहाँ बननी है? फोकस पे बननी है, कागज जलेगा कहाँ पे आके? सिर्फ फोकस पे आके जलेगा, अभी जो टिकारी बन जाएगी, कब होगा? जब ये कंडीशन होगी भाई,
व्हेन बीम आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, तब छोटे छोटे कार्य बनेंगे। ये तो बड़ा बनता है छोटा सा, इतना बड़ा उसका गलता नहीं है। अभी अभी में से ये वाली कर लोगे फिर और छोटी बनाते हैं उसको हम लोग, पॉइंट की तरह ले जाते हैं। देखा ना कागज पे तो छोटी सी ब्राइट टिकारी बनती है, वो एक्चुअल में क्या इमेज ऑप्शन होती है। अभी जो आप कर रहे थे बचपन में रियल इमेज कहाँ बना रहे हो, पेपर बना रहे होते हुए कर लोगे तब का इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। भी कौन बना सकता है कॉन्वेक्स मिरर डायग्राम यहाँ पे? आधी से ज्यादा क्लास गलत बनाएगी डायग्राम। ओके ये क्या होगा इसका पोल होगा भाई, यहां पे क्या होगा फोकस होगा, यहां पे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मेरे को बताओ भाई पहला पॉइंट कहां पे रखे बताओ ऑब्जेक्ट्स को, फोकस पे या फोकस से इसके बीच में? फोकस और इसके बीच में रखे, फिर फोकस पे रखे, फिर इसके बीच में मिरर के अंदर जाके रखोगे? एक ही केस है यहां पर रखना होता ऑब्जेक्ट आपको, कहां घुस रहे हैं मिरर के पीछे रखो ऑब्जेक्ट जाके बनेगी इमेज मेरे तुम्हारी, यस और नो? एक ही केस बनता है भाई, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए इस तरफ, अरे रखने का तरीका यहां पे है वहां का जाकर रखोगे अंदर जाके मिरर के, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो देखिए अभी क्लास बातें नहीं, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, एक बीम गई यहां से, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सही है? ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, छोटा कर लेते हैं। ए बी ऑब्जेक्ट है, एक बीम गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल के अकॉर्डिंग क्या रूल है इसका? पास करेगी, कहां करेगी? ये ऐसे जाएगी, यस और नो? इट अपियर टू पास थ्रू फोकस भी, सही है? उसके बाद एक बीम स्ट्राइक करवाइए पोल के ऊपर भी, तो ये तो छेद जाएगी सेम एंगल के ऊपर भी, यस और नो? अब इसको पीछे में लाओगे तो ऐसा लगेगा ये यहां से मिल रही है अभी, दे आर अपियर टू मीट एट दिस पॉइंट भी, इट इज ए डैश पॉइंट, तो नीचे वाला कौन सा होगा? बी डैस। सही है? नेचर कौन होता है भाई, हाथ खड़े कर सकते हो? आते थे सभी को बताया कोई नहीं है ना भी, पहला पॉइंट डालिए, डायग्राम बना चुके हो क्या? जल्दी बनाओ फिर, सिंपल लिखो तो वर्चुअल इमेज Small in size, virtual image, small in size, erect image भी, erect सीधे के लिए होता भी, erect image, and formed between P and F, okay भी, concave mirror का use कहाँ पे है भी? ऐसी जगह पे use करना मेरे को जहाँ पे मेरे को बड़ी image चाहिए भी। तो पहला पॉइंट होता है कि इसको सेविंग मिरर का यूज करते हैं भी, सेविंग मिरर की तरह भी, या जो ब्यूटी मिरर भी, कैसे पार्लर्स के अंदर या नाई की दुकान पे कुछ शीशे से लगे होते हैं, तो लगता है कि आप बहुत मोटे हो गए, आपको फील होता है और हल्के से कॉन्केव होते हैं भी, क्यों? जब नजदीक लगता है चेहरा चेहरा को बड़ा दिखता है उसमें भी, सेविंग मिरर मतलब आपको बड़ा चेहरा है पूरे अच्छे से कर सको सेविंग आप लोग, ठीक है? नजदीक करोगे तो दिखेगा, मतलब आपका फोकस आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, पी और एफ के बीच में रख दिया आप लोगों ने, तो बड़ी इमेज बनी हुई सीधी बनी हुई, उल्टा मुंह दिखता है क्या उसमें? यस सर ना, पहला पॉइंट है एज ए सेविंग मिरर यूज करते हैं उसको भी। दूसरा पॉइंट है जितने भी व्हीकल्स है उसकी हेडलाइट या टॉर्च की हेडलाइट का जो शेप होता है कौन के वो शेप होता है कर लोगे? हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव, दूर तक बीम जा सके अभी लाइट की। ओके डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको भी, आजकल यूज नहीं करते लेकिन पहले करते थे डेंटिस्ट भी, अभी भी यूज करते हैं, एक मिरर लगते हो आप कैविटी चेक करने के लिए, इतना याद मेरे को भी। तो अब कॉन्वेक्स में देखिए भी, कॉन्वेक्स का यूज कहाँ पे है? जहाँ पे आपको इमेज देखनी है छोटी और सीधी भी,
तो आपके व्हीकल्स का रियर व्यू मिरर है, पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा रखा है और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है भी। साइन कन्वेंशन भी, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर भी। साइन कन्वेंशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, हो गया स्फेरिकल मिरर भी। अब देखिए अभी कुछ कन्वेंशन हैं, रिवाज हैं जो फिजिक्स की यूज करनी पड़ती हैं आपको ऑप्टिक्स के अंदर में, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता अभी कभी, उठाते हो क्या? मैंने आपसे ग्यारहवीं कक्षा में क्वेश्चन भी किया होगा, तुम पढ़ते क्यों हो गए, नहीं किया? तुम मन तो पढ़ते नहीं है हमसे क्या क्वेश्चन करना है ना भैया। ठीक है, हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स जो भी है अभी कोई भी ले लेते हैं, ये पोल है अभी, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी। ठीक है, तो कन्वेंशंस क्या क्या हैं अभी इसकी, डायग्राम नहीं बस डायग्राम बनाना शुरू कर दिया होगा, बनाना नहीं अभी, जो मैं बनाऊँ जो बनाना है। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट कन्वेंशंस का भी, आपको सारी डिस्टेंस पोल से मापनी है। ओके, पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंसेज पोल से मापनी है, कर पाओगे? पहली कन्वेंशन भी, हर डिस्टेंस पी से मापनी है अभी। सेकेंड पॉइंट डालिएगा, लिखिए डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट, एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज नेगेटिव। क्या बोला गया देखिए, क्लास देखिए, ये लाइट आ रही है, मान लेते हैं यहां से लाइट आ रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप डायरेक्शन मापते हो, डिस्टेंस मापते हो इन डायरेक्शन ऑफ लाइट भी, मापनी तो पीसी है, अगर आप ऐसे मापते हो भी तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी भी, अगर आप उल्टी मापते हो इसके ये नेगेटिव होगी। कर लोगे? थर्ड कन्वेंशन भी लिखिए, डिस्टेंस मेजर above the principal axis, distance measure above the principal axis taken as positive and distance measure below the principal axis taken as negative। अगर आप डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापते हो तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे मापते हो तो नेगेटिव रहेगा। कैसे भाई? अगर आप इसके ऊपर मेजरमेंट करते हो तो पॉजिटिव है भी, इसके नीचे करते हो नेगेटिव है। ओके, सिंपल तरीका लिखने का ये है क्लास, जो पी है ना, ये पी को ये मान रहे हैं, ये पी है अभी आपका, इट इज पी, पी के इस तरफ सारा पॉजिटिव, पी के इस तरफ सारा नेगेटिव, पी के सारा ऊपर पॉजिटिव, नीचे ये लाइन के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऐसे करते हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर। तो पी का ओ मान लो, जीरो मान लो, कर लोगे हो जाएगा। कुछ चीज़ें और भी लिखते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट हैं। यू जो सिंपल होता है भाई, यू सिंपल, ये किसके लिए लिखते हैं? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए भी, डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट कहां से लेते हैं डिस्टेंस हमेशा? फ्रॉम पी लिख दूं तो ऑब्वियस बात होगी भाई, फ्रॉम पी। जो वी लेते हैं भाई ये होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, भी डिस्टेंस ऑफ इमेज। बाकी आपको पता है कि स्मॉल एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, किया था ना मैंने, बाकी चीजें वही सारी घुमा फिरा के। कुछ सिंबल ऐड किए मैंने यू और वी को भी। यू किसके लिए है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी किसके लिए? डिस्टेंस ऑफ द इमेजेस। बाकी नेक्स्ट टाइम।